हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पहले की बहुत सी वीडियोस में ये बताया है कि अगर आप गर्भवती बनना चाहती हैं तो आपको अपना वेट मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब महिला का वजन जरूरत से ज्यादा होता है या फिर थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टाल देती है। क्या आप भी उन्ही महिलाओं में से एक है? आइए जानते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप प्रेग्नेंट बनना चाहती हैं तो आपका वजन बिल्कुल सही होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन 53 केजी होना चाहिए तो आपको एग्जैक्ट 53 ही रखना है, आप 54 या 55 भी रख सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी मेंटालिटी को सेट करने की जरूरत है कि आपका वजन सही होने से मेरा मतलब केवल इतना है कि आप ओवरवेट ना हो। अगर आपका वजन 53 किलो चाहिए और आपका वजन 70 के पार जा रहा है तो ये एक चिंता वाली बात है। लेकिन अगर आपका वजन 53 होना चाहिए और आपका वजन 55 है तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अपने वजन को संतुलित करने के बारे में अपनी मेंटालिटी को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप गर्भवती बनना चाहती हैं और आप बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर चुकी हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कई बार हमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज का खतरा होता है। ज्यादा मीठा खा लेने की वजह से या फिर अपने आहार पर ध्यान ना देने की वजह से ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम मीठा ज्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करते हैं तो उसके बावजूद भी हमें डायबिटीज हो जाती है, जो कि हमारे सही रहन सहन और ना खाने पीने की ही वजह होती है। इसीलिए आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना, अपना व्यायाम करना, सही आहार लेना और वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अपने 1-2 किलो के बढ़े हुए वजन से आप अपनी प्रेगनेंसी को नहीं टाल सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में ये भी बताया है कि प्रेग्नेंट होने की एक एज होती है, यानी कि अगर आप 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच की महिला है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन अगर आपकी एज 28 साल है और आप अभी भी ओवरवेट है या फिर आपकी मेंटालिटी वेट को लेकर सेट नहीं हो पाई है और इसी वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी को लेट कर रही हैं तो आगे जाकर आपको काफी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि 30 की उम्र के बाद प्रजनन क्षमता काफी कम हो जाती है और यदि आप कंसीव कर भी लेती हैं तो बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि आपका बेबी सेफली पैदा हो जाए। वरना ज्यादातर डिलीवरी सर्जिकल होती हैं, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चा पैदा होता है। इसीलिए एज के अनुसार वेट को मैनेज करते हुए अपने आप को हेल्दी बनाइए। अगर आपका वजन ज्यादा भी है तो आप जिम ज्वाइन कर सकती हैं। ज्यादा तेल मसाले वाले खाने पर रोक लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपने आप को तनाव से कोसों दूर कर लीजिए। ये चंद चीजें आपके बढ़े हुए वजन को आसानी से मैनेज कर सकती हैं और आपको एक सुपर मम्मी बनने में हेल्प कर सकती। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।